things that we can do to improvise our health, our immunity, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. जैसे आप रेडीमेड काढ़ा तो मत पीजिए, यू कैन एक्चुअली मेक इट एट होम. बहुत आसान है. आप जिंजर ले सकते हैं, उसमें आप काली मिरी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, यू कैन पुट सम सिनेमन. और ये चीज़ें जो है बहुत आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा. और उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं और हनी डाल के पी सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है, या गुड़ डाल के पी सकते हैं इस कॉन्कॉक्शन को. और बहुत लाभदायक है स्पेशली ऐसे समय में जहाँ पे यू नो पीपल आर फॉलिंग सिक, नॉट जस्ट विद द फियर ऑफ दिस वायरस, जस्ट जनरली ऑल्सो विद द कॉमन कोल्ड, द फ्लू. ऐसे सिचुएशंस में भी ये काढ़ा जो है बहुत कमाल का होता है. Also, there are, you know, a lot of food items that you can include, जैसे कि vitamin C से भरे fruits और veggies. तो vitamin C के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कौन से fruits हैं, papaya season में भी है और all year round मिलता है actually हमारे country में. तो आप papaya को एक slice papaya काटिए थोड़ा सा नींबू डाल के. It actually has all the vitamin C that you need in a day. And mangoes abhi season mein hai to mangoes bhi kha sakte hain. Aur ginger, you know, salt. Aur main hamesha ye kehti hu ki main subah subah uthke main ek pura tablespoon ghee, salt aur turmeric aur thoda sa pepper dal ke main usko mix karke main use peeti hu thoda sa gunguna pani ke saath. और मैं पहले बहुत सफ़र करती थी साइनस के साथ और मेरे लिए तो मतलब इसके इंक्लूजन से बहुत प्रभाव पड़ा है मेरे साइनस पे. इट्स बिन रियली रियली पॉजिटिव. तो ये भी आप कर सकते हैं. इसके अलावा आप गुड़ की चिक्की बना सकते हैं फॉर ऑल योर स्वीट क्रेविंग्स. And you can put some black sesame seeds in it, you can put sunflower seeds, you can put almonds, you can put sauf, thoda sa black salt dal sakte hain, thoda sa rock salt dal sakte hain, you can put pumpkin seeds, तिल. black sesame seeds jab hote hain to white mein bhi milta hai, aapko kale mein bhi mil jata hai. wo sari cheezon ko mix karke aap ye chikki bana sakte hain. aur ise matlab hard karne ki zarurat nahi, aap ise soft hi rakh sakte hain aur ek chote se airtight dabbe mein rakh dijiye. तो लंच के बाद आप एक आप इसका सेवन कर सकते हैं. और जैसे आप जानते हैं गुड़ इज़ वेरी हाई इन आयरन एज वेल. अगर आपको काला गुड़ मिलता है तो नथिंग लाइक इट. तो ट्राई एंड बाय ऑर्गेनिक गुड़. हमारे कंट्री में तो बहुत बहुत गुड़ मिल जाता है, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल गो इन फॉर द स्लाइटली लाइटर लुकिंग गुड़. लेकिन उसमें बहुत सल्फर होता है. तो अगर आप कभी शीर कुरमा बनाने की कोशिश करिए इस गुड़ के साथ, वो फट जाएगा. यू नो दैट देर इज सो मच सल्फर दैट दे यूज टू वाइटन दैट गुड. तो ट्राई एंड स्टिक टू ऑर्गेनिक गुड. इसके अलावा आमंड्स, बादाम, अगर हो सके आपसे तो प्लीज़ बादाम का सेवन करिए इस समय. बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड वाई यू आर हैविंग वाइटमिन सी, यू नीड अ फैट सॉल्यूबल vitamin as well, and that is what badam is. तो ये fat को digest करने में help करता है, मतलब ये vitamin C को digest करने में help करता है. ये एक ऐसा fat है. So it's that kind of good vitamin. You need vitamin E to break down vitamin C. And yeah, so I religiously have walnuts and badam early in the morning, जो मैं previous रात को soak करती हूँ. And it's made a huge difference to not just my skin, my immunity and my hair and nails. So everybody wants that. Yes, turmeric के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा इस समय में, because it's not only an anti-inflammatory, it also is an antibiotic. तो जब आप उसको घी में mix करते हैं, जो हमारा हमारी कुकिंग है, इंडियन कुकिंग, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा. तो
पहले जब हम छोंक देते हैं घी में और हल्दी डालते हैं और हींग डालते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही कमाल की है. एंड इट ऑब्वियसली वर्क्स ऑन द इंटरनल सिस्टम एज वेल. एंड दोज प्रॉपर्टीज आई जस्ट फील दे कांट बी रिप्लेस्ड विद एनी अदर प्रोडक्ट. सो यू शुड स्टिक टू वॉट Ayurveda has prescribed for years on end and for time immemorial, and I really live by those principles. So I would suggest कि आप भी, अगर आपसे हो पाता है तो घी में थोड़ा सा टर्मरिक डालिए. कैंसर की बीमारी को क्योरेटिव के लिए they have started using curcumin, and that is a derivative of turmeric. And it's so beautiful that our country can boast of all these really beautiful herbs and condiments that come from here. This, it's from our land. So yeah, the spices, we underestimate the power of our spices, and we should absolutely make use of it. What else can I say? I just feel that, you know, if you can, you have to change, we have to change our lifestyle. और ये टेम्प्रेरी चेंज नहीं होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए. सिर्फ लॉकडाउन के समय इस चेंज को लेके आएंगे हम, इस बदलाव को लेके आएंगे, और अगर आपको लगता है कि इसके बाद हम अपने आप को एक मतलब पूरी खुली छूट दें कि कुछ भी खाएं कुछ भी पिए और उसका कोई असर नहीं होगा हमारे जीवन में, तो ऐसा होगा नहीं. आई थिंक अ लाइफ स्टाइल इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टिक विथ. एंड कभी कभी आप उसे लेट गो करिए, ऐसे मैं करती हूँ. संडेज के दिन मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मैं भजे भी खाऊँ, मैं बिरयानी भी खाऊँ, मैं कुल्फी भी खाऊँ, जितना मीठा हो सके वो मैं खा लेती हूँ.